कन्वेक्शन हो गए तो फिर ये SHM नहीं होगी बेटा। SHM का मतलब है ये प्लस ए और माइनस ए तक पार्टिकल जाना ही चाहिए, अगर इससे नहीं जा रहा है तो फिर खत्म है मोशन, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात नहीं कर रहे फिर। ठीक है, तो ये फोर्स हमेशा क्या है, आपके एनर्जी देख रहे हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो आपका रेस्टोरिंग फोर्स यही होता है माइनस के एक्स। तो एक्स इक्वल टू 0 से एक्स तक पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। तो ये SHM का जो रेस्टोरिंग फोर्स है इसका वर्क अपन निकाल सकते हैं, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ही हो गया, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर करते हैं आप इस तरीके। एफ वेक्टर क्या होगा, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा, बेसिकली माइनस एफ dx आ जाएगा। बताइए, माइनस वर्क डन बाई एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एक्स तक वेरी कर रही है, तो कितना आ गया आपका के एक्स था, तो के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया क्या, बताओ आपका के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा क्या, प्लस आ गया ना, du इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी का चेंज क्लियर है, समझ गया आप बात को, दिक्कत तो नहीं है, स्प्रिंग का फोर्स भी निकाला, वर्क भी निकाल रखा हमने वही। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया 0 से एक्स तक डिस्प्ले, स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी SHM की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है SHM है तो फोर्स हमेशा ऐसे माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स लिखा जा सकता है। तो किसी भी SHM में अगर पार्टिकल मीन पोजिशन से एक्स तक डिस्प्लेस करता है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ध्यान रखें, अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 या मीन पोजिशन पर, ये बेसिकली मीन पोजिशन से, जरूरी नहीं है एक्स इक्वल टू 0, मीन पोजिशन से अगर आप एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना आ रहा है, 1/2 के एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैं मीन पोजीशन पर एनर्जी 0 बोल देता हूँ या यू नॉट बोल रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना, एंड में बाद में रखेंगे, मैं आपको इसमें इस फॉर्म में एक्सप्रेशन याद कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें कोई नहीं पूछेगा आपसे, यहाँ पर 0 नहीं होगी उस केस में पूछेगा, गलती वही होती है। तो du मैं कह रहा हूँ 0 से एक्स तक पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी एक्स, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजिशन। ठीक है ना, अगर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बोल दी है, यू नॉट बोल दी है बेटा, तो डिस्टर्ब एक्स स्टेट पर कितनी हो रही है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हाफ के एक्स स्क्वायर तो चेंज होगा, तो एट पोजीशन एक्स, मैं इसलिए यू नॉट पहले लिख रहा हूँ बेटा, कभी नहीं भूलेंगे, ये गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉमन मिस्टेक है, हम बहुत बार ध्यान नहीं देते कि मीन पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली है, और बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसकी वजह से, ऐसे में बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, देखते हैं अपन किस किस तरह के। बट आपको क्लियर है कि हाफ के एक्स स्क्वायर केवल मीन पोजीशन से किसी डिस्टरबेंस एक्स तक का चेंज है, वो हमेशा यही आएगा, आप हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि आप हमेशा जो कंजर्वेटिव वर्क होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हमेशा, चाहे से आप इधर डिस्प्लेस करो या इधर डिस्प्लेस करो, आपको पता है फोर्स हमेशा मीन पोजिशन की तरफ डायरेक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में वर्क डन हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव रहेगा, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो हर जगह मीन पोजीशन से ज़्यादा होगी, अगर मीन पोजीशन पे यू नॉट आपने बोली है तो किसी डिस्टर्ब स्टेट पर पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो मैं एक चीज़ और पता है कि के को अगर ओमेगा की टर्म में लिखना हो, क्योंकि फेमस एक्सप्रेशन, पॉपुलर एक्सप्रेशन ये है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और फोर्स का आप लेके चले हो माइनस के एक्स, तो इसका रिलेशन तो देखा ही था ना आपने, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू ए लिख दूंगा इसकी जगह, तो एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा और के का रिलेशन पूछ रहा हूँ जस्ट, मैं पता है ना आपको, तो के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ के की जगह। ठीक है ना, तो इसलिए अब जनरल एक्सप्रेशन ये बन गया, ये आपको रिमेम्बर करना है, मैंने डब्बा उस पर गलत बना दिया, उस फॉर्म की बजाय आप इस फॉर्म में याद रखें तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आपको उस पर ये लगना लग जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ऐसे गलत फहमी हो जाती है। बट किसी भी जनरल SHM में डिस्टर्ब स्टेट पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ बेटा मैं, अभी खुद निकाला है आप लोगों ने, मैंने कुछ नहीं बताया, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट पता है तो आप बिल्कुल ये एनर्जी का एक्सप्रेशन भी समझ पा रहे हो, तो डिस्टर्ब स्टेट पर पोटेंशियल एनर्जी के, बट यू नॉट ना भूलें फिर कह रहा हूँ,
ठीक है ना, अगर वहां पर जीरो नहीं बोला तो -2 जूल भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ये बातें अपनी उसमें भी हुई थी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना। जब मैं चेंज लिख रहा था तब मैंने बोला था आपको हमेशा कि मीन पोजीशन जहाँ पर आपने जीरो रेफरेंस लिया है या जो आपकी रेफरेंस पोजीशन है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट कुछ है ही नहीं, हमेशा चेंज है, एक कॉन्फिगुरेशन से दूसरी कॉन्फिगुरेशन तक कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स जितना वर्क कर देता है वो स्टोर हो जाता है, उसी को हम वो बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो रेफरेंस जरूरी है इसके लिए, एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अब मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर डिस्टर्ब स्टेट पे लिखना चाहूँ तो लिख पाएंगे क्या अपन लोग, टोटल एनर्जी एट डिस्टर्ब स्टेट, ये तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी और लिख दें फिर ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और यहीं पे लिख दें आप, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ मेरे को। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी सिंपल तो कुछ होता ही नहीं, हमेशा यही होती है पार्टिकल अगर SHM कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² ही रहेगी। अब मैं x की टर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो v एज ए फंक्शन ऑफ x याद है क्या आप लोगों को, बताओ इतना पढ़ लिया क्या SHM आपने, v एज ए फंक्शन ऑफ x पता है आपको, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² - x² तो कितना आ जाएगा, 1/2 m² a² - x² आ जाएगा क्या, चेक करो एक बार, 1/2 m² a² - x² ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, ये आपको पता है ना बेटा, डिस्टर्ब स्टेट पर स्पीड एक्स पोजीशन पर यही तो होती है। तो आप ऐड कर दो देखो इसमें, तो आप देख रहे हैं एक्स का टर्म कट जाएगा, ये होना भी था, एनर्जी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए नहीं तो एम्पलीट्यूड हर बार वो नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपका एक कॉन्स्टेंट एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, फिर से बोल रहा हूँ सबको याद हो जाता है, ½ m² a² सब रट लेते हैं इसको, यू नॉट को सब भूल जाते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बोली जाती है ना ½ m² a², वो तब मान के बोली जाती है कि इस SHM में मीन पोजिशन पर आपने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जीरो ले लिया, ठीक है, नहीं तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको सामने दिख रहा है बेटा SHM। तो ये ½ m² कट जाएगा तो आपका जो टोटल एनर्जी है किसके बराबर आ जाएगी, u0 + 1/2 m² a² के बराबर आ जाएगी। ये आपका, हाँ बोलो बेटा, कहाँ तक सुन लिया था आपने बताइए, यहाँ तक क्लियर है आपको अर्नो, हाँ। तो बस टोटल काइनेटिक एनर्जी वी का एक्सप्रेशन क्लियर है आपको, ω√a² - x² वेलोसिटी होती है, तो वी की स्क्वायर की जगह ω² a² - x² रख दिया बस, वी स्क्वायर की जगह। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इसको ऐड कर दिया बस, देख लो आप ये x² वाला टर्म कट जाएगा, पूरा कॉन्स्टेंट आ गया, एक्स का इंडिपेंडेंट आ गया, तो एक कॉन्स्टेंट होती है टोटल एनर्जी, ठीक है ना। तो एक टर्म और सुन लीजिए अर्नव, क्लियर है बेटा यहाँ तक, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद रख लेंगे, सब याद है, रिमेम्बर है पूरा, एक भूलना नहीं इसको, कहीं SHM की टोटल एनर्जी कोई पूछ ले और आप बता ही ना पाए, ऐसा नहीं होना, निकालने का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ये ऑसिलेशन एनर्जी है, ये आपकी ऑसिलेशन एनर्जी कहलाएगी, 1 मिनट रुकिए बेटा 1 मिनट, और आपकी स्क्रीन भी शायद थोड़ी सी ब्लर्ड हो सकती है। हेलो, अरे क्लास में लेकिन भेज दो, आपके लिए कर दो, भेज दो। अरे यार क्या है, वैसे भेजो आप, हाँ भेज दो। अरे कहाँ है, अरे हाँ दिख रही क्या बेटा स्क्रीन, चलो यहां तक कोई तकलीफ किसी को, टोटल एनर्जी